मनु सिंह जी, ये लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल के मुताबिक नया रिकॉर्ड बन रहा है, पिछले रिकॉर्ड को गर्मी तोड़ रही है, इसकी वजह क्या है? पर्यावरण में असंतुलन ये एक बड़ा कारण है? जी पर्यावरण में असंतुलन ही नहीं, मैं इसको स्पष्ट शब्दों में कहूंगा तो जो जलवायु का परिवर्तन है वो मानव केंद्रित जो विकास की अवधारणा है, जो प्रकृति के विकास को केंद्र में रखकर नहीं चलती और ऐसे विकास को प्रेषित कर रही है जो विकास नहीं बल्कि प्रकृति के मूल्यों का, वैज्ञानिक मूल्यों का विनाश है। दोहन की जो संस्कृति है प्रकृति के, इसी की वजह से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे वैश्विक तापमानों में वृद्धि हो रही है और जैसा डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि हमारा थर्मोस्टेट खराब हो गया है, ऐसे ही हमारे दोहन की वजह से पूरी पृथ्वी का थर्मोस्टेट बिगड़ गया है। और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु ही नहीं, वो थर्मोस्टेट जो बिगड़ा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर ऋतु एक तरह से एक आपदा बनकर हमारे सामने आ रहा है। इसी वजह से, इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब वर्षा ऋतु आएगी तो उसमें भी क्यूमलोनिम्बस जो बादल हैं, मेघ हैं, उनका निर्माण अधिक होगा, उससे भी तबाही मचेगी। और जहां अतिवृष्टि होती है वहां पर तबाही होगी, जहां अल्पवृष्टि होती है वहां पर रेगिस्तानीकरण होगा। तो पिछले कुछ दिनों, पिछले 4 साल एक तरह से इस नजरिए से थोड़ा हमें, मैं बोलूंगा कि भाग्य का साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि 20-21 जो था उसमें अभी कोविड के लॉकडाउन का असर 20 में पूरा था और उसके बाद आंशिक था, तो हमें उस वजह से प्रकृति को एक रिकवर करने का मौका मिल गया। 22 और 23 जो था वो उसमें अलनीनियो का जो इफेक्ट था उसकी वजह से इतने भीषण तापमान, ना उसमें गिरावट आई और ना उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन ये जो वर्ष है ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा हो गया। और छोटे समय में ही हम देख रहे हैं पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, राजस्थान में तो आप देख रहे हैं कि 19 जिलों में आज और कल रेड अलर्ट जारी किया गया। और मेरा ये मैं सीधे तौर पे चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे, अगले 3-4 दिन में, कि 50 डिग्री जो पारा है वो कई जगह ठीक है, नोट किया था। ये